हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर प्रिंसेस कट फ्रंट स्लिट ब्रॉकेट कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स, और उसके साथ मैंने जो बेस का फैब्रिक लिया है वो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बेस फैब्रिक को हमने इसे फोर फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें बेस फैब्रिक में मार्किंग करनी है। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 24 इंचेस। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूंगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से कमर तक की लेंथ है 14 इंचेस, 14 पे हमें एक मार्क करना है, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी 9 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। अब आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो यहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो ये मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ मैं लूंगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ब्रॉकेट के फैब्रिक को हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस, तो सबसे पहले हमें बैक का पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक को हमने सिर्फ 2 फोल्ड में लिया हुआ है, जो हमने प्लेन फैब्रिक कट किया था अभी उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है। हमें यहाँ पे फोल्डेड एरिया से फोल्डेड एरिया मिलाते हुए रखना है और एज इट इज हम इसे मार्क करेंगे। जैसे हमने रखा है वैसे हम इसे मार्क कर लेंगे। तो नीचे तक आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें ये जो पॉइंट है इसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। इस तरह से हमने लेंथ तक इसे एक्सटेंड कर लिया है और नीचे की तरफ हल्का सा हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। ये हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। इस तरह से आएगा हमारा बैक का पार्ट। अब हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो फिर से मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। फिर से यहाँ पे जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था बेस फैब्रिक में, इसे हमें यहाँ पे रखना है। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें प्रिंसेस कट करना है और फ्रंट में हमें स्लिट भी करनी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच का अप्रोक्स एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने इस तरह से रखा है कि यहाँ से हमारा अप्रोक्स 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा पार्ट लिया है हमने।
फ्रंट में हमें स्लिट बनानी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट लिया हुआ है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद हमें एज इट इज मार्क कर लेना है। और यहाँ पे हमें फ्रंट में स्लिट भी बनानी है, तो यहाँ से भी हम 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे, तो जो हमने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग की थी यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और एक्स्ट्रा हमें 1 इंच पे इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद हम एज इट इज ये जो मार्क है उसे हमें नीचे तक एक्सटेंड करना होगा। जैसे हमने बैक का पार्ट ड्रॉ किया था वैसे ही यहाँ पे इस लाइन को नीचे तक हम एक्सटेंड कर लेंगे क्रॉस में, और नीचे की तरफ इस तरह से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है, तो ऊपर से हमें 10 इंचेस पे एक मार्क करना है, और ये जो हमारा फोल्डेड एरिया है यहाँ से हमें 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। तो ये जो हमने मार्किंग की है, आर्म होल का हम हाफ लेंगे, और यहाँ से हम प्रिंसेस लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमने 5 इंचेस पे मार्क किया था उससे मिलाते हुए इस लाइन को हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। इस तरह से इस लाइन को हम नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। ये हो गई हमारी प्रिंसेस लाइन, नीचे तक हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। यहां से अप्रोक्सम 24 इंचेस तक फिटिंग करेंगे, उसके बाद हमारी स्लिट आएगी, तो यहाँ पे हल्का सा मार्क करके रखेंगे। तो यहाँ से भी कट करके हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस पूरे पार्ट को हमें कट करना है, यहाँ से हम नीचे तक कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, जैसा हमने ड्रॉ किया था वैसे ही हमने इसे कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे, तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का पार्ट। इसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है, फोर फोल्ड मैंने लिया है 9 इंचेस जितना। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 22 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूंगी 6 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है, ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का मिडल का पार्ट है उसे तैयार करेंगे हम। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे, और दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम अप्रॉक्स 5 इंचेस तक यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद से हमें फिटिंग करनी है, दोनों को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ऊपर से हमें 24 इंचेस पे हमने जो मार्क किया था वहाँ तक हमें इसे फिटिंग करना है। तो 24 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ तक हमें फिटिंग करनी है, उसके बाद हमारी स्लिट आएगी। तो जो हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक हमें इसकी फिटिंग करनी है, और फिटिंग करने के बाद हमें यहाँ से स्लिट तैयार करनी है। तो इसे हम सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, तो हमारी सेंटर की जो स्लिट है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह से दोनों तरफ हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है, ऊपर का पार्ट हमने इस तरह से खुला रखा है,
और नीचे की तरफ हमने स्लिट को तैयार कर लिया है। अब हमें जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है उसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमें दोनों को रखना है। अब तीनों पार्ट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और हमें सिलाई करते जाना है। दोनों पार्ट्स को हम मिलाते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नेकलाइन को तैयार करना होगा। तो ये जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था उसे यहाँ पे हमें उल्टा रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वी शेप हमने कट किया है, तो ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसमें भी हमें वी शेप में लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पे वी शेप में सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से वी शेप में सिलाई कर दी है। यहाँ पे हम इस तरह के हल्के हल्के कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये जो हमारा वी शेप है नेक का वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो बेस का फैब्रिक है उसे बैक साइड पे टर्न कर लिया है। इसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है, तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ भी हमें बेस फैब्रिक को अटैच करना है। तो इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे और उसके ऊपर ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें इस तरह से राइट साइड पे रखना है। और उसके बाद हमें ये जो हमारा आर्मर और नेकलाइन में हम सिलाई करके दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और इसका भी जो हमारा बॉर्डर है उसे हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। बेस फैब्रिक को अटैच करने के बाद हमें शोल्डर फिटिंग करनी होगी। तो इसके ऊपर हमें जो बैक का पार्ट है उसे उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। इसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे हम स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स को उल्टा रख के सिलाई कर लीजिए। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। दोनों की बॉर्डर हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉलर को बनाना है। तो सबसे पहले हमें कॉलर की लेंथ मार्क करनी होगी। तो एक एंड से हम लेंथ को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेजर टेप की मदद से इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। इसकी लेंथ है 15 and half inches। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 16 and half inches का हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेना है और हमें दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब कॉलर को हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को ओपन कर लेंगे
उसके बाद हमें एक एंड से कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर इस तरह से जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी उसे यहाँ पे रखेंगे और एक तरफ से हम सिलाई करके यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तरफ से सिलाई कर ली है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलर को फिक्स कर लिया है, बैक साइड पे हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। कमर की लेंथ पे हमें यहाँ पे भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। मैं लूंगी 15 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 5 इंचेस और इस लाइन को हमें यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स की फिटिंग यहाँ पे मार्क कर लेना है और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारे लेंथ तक। तो 1 इंच के डिफरेंस पे हम इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे तो हमारी फिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे इसे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे इससे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हम ये जो हमने जॉइनिंग है यहाँ पे हमें बटन लगाने हैं, तो कोई भी रेडीमेड बटन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और सेंटर में हमने इससे से बटन लगा दिए हैं और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर प्रिंसेस कट फ्रंट स्लिट प्रॉकेट कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।